देश भर में आई महामारी के चलते जहां एक ओर व्यापार व्यवसाय बंद होने के बाद मजदूर वर्ग आर्थिक तंगी के दौरे से गुजर रहा है, वहां आलम ऐसा है कि भुखमरी के चलते हालात अब चोरी जैसी घिनौना काम करने के लिए भी मजबूर हो गए। जी हां, एरोड्रम थाना पुलिस की गिरफ्त में एक खड़ा शख्स पेशे से एक ड्राइवर है, लेकिन 2 महीने से भी अधिक लॉकडाउन में इस शख्स की आर्थिक कमर तोड़ दी है। जहां परिवार भुखमरी से ना मर जाए इसके लिए यह शख्स चोरी करने पर भी उतारू हो गया। बदकिस्मत घर में घुसे मकान में चोरी करने से पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के 94 स्कीम वैष्णव नगर का है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में चोर घुसा हुआ है। तत्काल टीम रवाना हुई तो दरवाजा तोड़ने पर घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा था और एक युवक घर की टांड पर छुपा हुआ था। पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद युवक ने अपना नाम रोहित, पिता रघु निवासी सुंदर नगर बताया। पूछताछ करने पर रोहित की दास्तां सुनने पर पुलिस के भी आंखों में आंसू आ गए। जहां लॉकडाउन के चलते रोहित के परिवार के सदस्य राशन नहीं होने के कारण भूख से तड़प रहे थे, ऐसे हालातों में रोहित ने चोरी जैसी संगीन घटना को अंजाम देना चाहा। चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार भी हो जाता, लेकिन किस्मत इतनी फूटी थी कि पुलिस के हत्थे ही चढ़ गया। फिलहाल पुलिस ने चोरी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर रोहित को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं पुलिस ने मानवता दिखाते हुए जब रोहित के घर जाकर देखा तो रोहित के बताए हुए बयानों के बाद की हकीकत यही थी कि परिवार काफी दिनों से भूखा था और राशन नहीं होने के कारण काफी परेशान भी था। फिलहाल पुलिस ने मानवता दिखाते हुए परिजनों को राशन उपलब्ध करा दिया, पर क्या अगर हालात ऐसे ही रहे तो शहर में अपराधों का ग्राफ ऐसे ही बढ़ता नजर आएगा। आखिर प्रशासन द्वारा गरीबों तक मुफ्त राशन के दावे ऐसी घटनाओं को बयां करते हैं कि क्या सही हाथों तक राशन बढ़ पाता है। मैडम, एक आरोपी पकड़ा गया है मैडम, जिसको परिवार में राशन भी दिया है, कुछ मार्मिक खबर है क्या मैडम? कल की घटना है, कल सूचना मिली थी शाम को 5 बजे के समथिंग के विश्व विहार स्कीम नंबर 51 कॉलोनी में एक घर में चोर घुस गया है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी जो सूचना पर पुलिस टीम वहाँ पहुँची घटनास्थल पर, तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था मकान का, तो उसको फोर्सफुली पुलिस की मदद से और कॉलोनी वालों के सामने खोला गया। देखा तो अंदर सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, पूरे घर का सामान अलमारी गोदरेज सब खुला हुआ था। उसके बाद देखा अंदर तो चोर ऊपर टांड पे छुपा हुआ मिला, तो उसको पकड़ा लेकर आया, कार्रवाई की उसके ऊपर। लेकिन उससे जब पूछा कि ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि उस लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से उसका कोई काम नहीं चल पा रहा था, इस कारण घर में राशन की प्रॉब्लम हो रही थी और इस वजह से उसको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। कार्रवाई करके उसको तो जेल भेज दिया गया। बाकी उसके द्वारा जो बात बताई गई थी, उसके पते पर जाकर जब इस चीज़ की तस्दीक की गई तो वो सही था। उसके घर में उसकी माँ और उसका भाई था जो कि राशन के लिए परेशान हो रहे थे, तो उनको एरोडम पुलिस द्वारा राशन की व्यवस्था की गई और उनको राशन दिलवाया गया। मैम, ये लॉकडाउन की वजह से उसके घर में राशन खत्म हो गया था और फिर उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उसने ये बोला था कि वो 2 महीने से काम नहीं चल रहा, इस वजह से घर में खाने पीने राशन की परेशानी आ रही थी। एक आध बार नगर निगम ने राशन पहुँचाया है, लेकिन एक आध बार हुआ इससे, लेकिन घर में परेशानी, इस वजह से मजबूरी में ऐसा। मैम, क्या काम करता था ये? गाड़ी चलाता था, किसी की बता रहा चलाता था। परिवार में कितने लोग? परिवार में उसके 2 लोग हैं बता रहा। तो आपका नाम? टाइम न्यूज़ देखिए